हेलो हाय एवरीवन। देखिए, लास्ट के अंदर हमने क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर के बारे में स्टडी किया था, जिसका मतलब सिंपली क्या होता है कि किसी भी सॉल्ट के अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो उन्हीं वाटर के मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। अभी यहाँ पे हमारे को ये फाइंड करना है कि किसी सॉल्ट के अंदर कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो हमारी टॉपिक टॉपिक की एंडिंग है हाइड्रेट क्रिस्टल फॉर्मूला। हाइड्रेट का मतलब ये है कि हम वैसा फॉर्मूला लिखेंगे क्रिस्टल का, मतलब किसी सॉल्ट का जिसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। हाइड्रेट टर्म यहाँ पे यूज किया गया वाटर के लिए। यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी 10th क्लास के अंदर तीन हमारे पास फॉर्मूले हैं, तो यही हमारे को जनरली पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। एक है कॉपर सल्फेट। देखो, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, CuSO4.5H2O। यहाँ पे देखिए आप कि डॉट के बाद में 5 वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो इसी फॉर्मूले के अंदर जितने वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे वही हमारे क्या हो जाएंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो हम यहाँ पे क्या लिखा है कि इट कंटेन द 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब इसके पास 5 वाटर के मॉलिक्यूल है एक क्रिस्टल्स के अंदर। सेम तरीके से वॉशिंग सोडा के अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं, 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के प्रेजेंट होते हैं 10 इन वॉशिंग सोडा। सेम तरीके से कैल्शियम सल्फेट .2H2O, जिसे अपन क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं, इसके अंदर 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से हमने ये लिखा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कि इसके क्रिस्टल के अंदर 2 वॉल्यूम वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो अगर एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि इनमें से कोई आपको जैसे फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट दे सकते हैं, या आपको थ्योरेटिकली पूछ सकते हैं कि वॉशिंग सोडा के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो आपको आंसर क्या लिखना है कि 10 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के इन वॉशिंग सोडा। देखो, WC मैंने शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखा है, मगर जनरली WC शॉर्ट फॉर्म के अंदर यूज नहीं किया था स्टैंडर्ड वे के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब देखो, नेक्स्ट अपन का टॉपिक क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। के प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, आपको पता ही है कि जो अपन POP वगैरह करवाते हैं घर के अंदर, उसे अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, जो यूज किया जाता है फ्रैक्चर बोन्स को सही करने के लिए या उनके ट्रीटमेंट करने के लिए। अब यहाँ पे हमारे को ये पढ़ना है कि इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला क्यों जाता है, उसको कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले अपन ये पढ़ते हैं कि बनाया कैसे जाता है। देखो, तो एक बेसिकली सॉलिड सब्सटेंस होता है, या सॉलिड बेसिकली पत्थर की तरह एक सब्सटेंस होता है, जैसे अपन क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं, जैसे अपन का चूना होता है, सेम तरीके से ये भी होता है। अगर अपन इस जिप्सम को 373 केल्विन के ऊपर गर्म करेंगे, तो ये आपको टेम्परेचर लर्न रखना है, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। उस कंडीशन के अंदर देखो, जिप्सम के अंदर 2 वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, किसी भी चीज को आप गर्म करो तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, तो वाटर के मॉलिक्यूल उसमें से निकल जाएंगे। तो जैसे अपन इसे गर्म करेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, और ये किसमें चेंज हो जाएगा, CuSO4.5H2, मतलब 1.5 या 1.5 वाटर के मॉलिक्यूल निकल गए। तो जो ये गर्म करने के बाद में जो न्यू प्रोडक्ट बनता है, जिसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल निकले हुए होते हैं, तो उसी प्रोडक्ट को अपन क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, या अपन उसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं POP। इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों रखा गया, प्लास्टर का नाम प्लास्टर से यूज करते हैं क्योंकि बेसिकली ये स्मूथनेस प्रोवाइड करवाता है, ऑफ पेरिस क्योंकि फर्स्ट टाइम इसको पेरिस के अंदर ही ढूंढा गया था या पेरिस के अंदर ही यूज किया गया था, इस वजह से इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अब इसी POP बेसिकली ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। रिवर्सिबल का मतलब क्या होगा कि अगर आप इसी POP को फर्दर वाटर आप प्रोवाइड कराओगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, जिप्सम के अंदर। अभी मैंने आपको बताया कि जिप्सम एक सॉलिड हार्ड कलर का सब्सटेंस होता है, तो ये बेसिकली जिप्सम जो अपन का POP पाउडर फॉर्म के अंदर था, तो वाटर मिक्स करने के बाद में ये सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो यही रीजन होता है कि इसको यूज किया जाता है डेकोरेशन करने के लिए, फ्रैक्चर्स बोन बनाने के लिए, टॉयज बनाने के लिए, या हमारे घर के अंदर POP करने के लिए, ये इसके अलग अलग यूजेस होते हैं जो अपन यूज करते हैं जिप्सम के, अगर आप सॉरी POP को अपन यूज करते हैं। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4.2H2, मतलब जिप्सम के अंदर कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, वहीं पर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो पाउडर शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, सब्सटेंस होता है, जिसके अंदर 1/2 वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो एग्जाम के अंदर देखो, एक चीज आपको नोट रखनी है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव या फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, जो इस बार अपन के पेपर हो रहे हैं RBSE के अंदर, अगर आपको पूछे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, तो आपको क्या लिखना है, CuSO4.5H2O। अगर पूछे जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, तो CuSO4.2H2O। ये आपको चीज हमेशा लर्न रखनी है। यहां पर अपन का चैप्टर 2nd कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद देखो अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इन द केस अगर कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट कर ऐसे पूछ सकते हो। गुड बाय फॉर नाउ।